तो हाँ जी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय पत्ती के बारे में कि आखिर इन हरी पत्तियों की मदद से काले कलर के दिखने वाले चाय पत्ती को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे चाय पीना पसंद नहीं होगा, और ऐसे में अगर बारिश का मौसम हो, साथ में ठंडी हवाएं चल रही हो, तो चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। चाय तो सभी पीते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये पता होगा कि चाय पत्ती कैसे बनती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाय पत्ती की खेती कैसे की जाती है और आखिर इन हरी पत्तियों की मदद से फैक्ट्री में चाय पत्ती कैसे बनाई जाती है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्लांटिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसके पौधे को नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर इन पौधों को एक मशीन की मदद से खेतों में कुछ इस प्रकार लगा दिया जाता है, और जब यह थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन पौधों में खरपतवार भी आने लगते हैं, जिसे इस मशीन की मदद से अलग कर लिया जाता है, और साथ ही इस मशीन की मदद से उस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव भी किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि काली चाय जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा खेती भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में किया जाता है। दोस्तों, काली चाय के अलावा ग्रीन चाय भी होती है जो कि हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती है, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जापान में किया जाता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लांटिंग के 1 से 2 सालों बाद जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, तब बारी आती है इन्हें हार्वेस्टिंग करने की, जिसके लिए कुछ इस प्रकार की कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बड़ी संख्या में हार्वेस्टिंग करनी होती है तो कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके आगे की तरफ घूमती हुई ब्लेड लगी होती है, और यह ब्लेड पौधे के ऊपर से पत्तियों को काट कर पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है, जिसके बाद इन पत्तियों को आगे की प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन हरी पत्तियों को धूप में फैलाकर अच्छी तरह से सुखाया जाता है, और बीच बीच में इन पत्तियों को पलटा भी जाता है जिससे कि पत्तियों में मौजूद नमी सूख जाए। अब अगले प्रोसेस में इन पत्तियों को इस जालीदार मशीन के ऊपर रख कर फैला दिया जाता है, और नीचे से गर्म हवा को पास किया जाता है जिससे कि इन पत्तियों से मॉइस्चराइजर कम हो जाती है, और फिर इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए इन पत्तियों को रोलिंग और क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, और यह मशीन इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है जिससे कि इनका ऑक्सीडेशन और भी आसान हो जाता है। अब इनकी ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके लिए इन्हें कैरेट में भरकर ऑक्सीजन से भरे पाइप से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि चाय पत्ती ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और इसका कलर धीरे धीरे काला होने लगता है, लेकिन अभी भी इनमें कुछ नमी मौजूद होता है, जिसके लिए इन्हें 1 घंटे तक 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिसके बाद इनमें से चाय पत्ती की खुशबू आने लगती है। अब चाय पत्ती बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे मार्केट में भेजने से पहले इसकी ग्रेडिंग किया जाता है, जिसके लिए इसे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है, जहाँ पर लगी अलग अलग छन्नी की मदद से चाय पत्ती को अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर इन्हें पैकिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इस ऑटोमेटेड मशीन की मदद से इन्हें पैकेट में भरकर पैक कर लिया जाता है, और फिर इन्हें मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार चाय पत्ती बनकर तैयार हो जाती है। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि इलायची कैसे बनती है तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, वरना फिर राइट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो काफी अच्छी हैं। मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।